Hello everyone, my name is Dr. Naveed Akbar. Welcome to the next video. हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रांसक्रिप्शन. हमने शुरू में बेसिक्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन डिस्कस की, प्रोमोटर सीक्वेंस को डिस्कस किया, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को डिस्कस किया. लास्ट वीडियो में हमने आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स डिस्कस किए. अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स. ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में किस तरह से होती है. बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन इज डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेप्स, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन. ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो है बैक्टीरियाज में या प्रोकैरियोट्स में थ्री स्टेप्स में डिवाइड होती है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन. इनिशिएशन से पहले, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारा ये प्रोमोटर सीक्वेंस होता है, एक कोडिंग स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसमें जो प्रोमोटर सीक्वेंस होता है उसमें आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है. तो आरएनए पॉलीमरेज जो है प्रोमोटर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है. इसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर उसकी हेल्प करते हैं आइडेंटिफिकेशन में, और आरएनए पॉलीमरेज आके प्रोमोटर सीक्वेंस में बाइंड करता है. उसके बाद जो है जो आरएनए पॉलीमरेज है, जैसे कि उसमें कई सब यूनिट्स होती हैं, अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा, तो ये आपस में कोर एंजाइम कहलाता है. जब कोर एंजाइम से ये सिग्मा फैक्टर आके बाइंड करता है तो ये एक एक्टिव एक्टिवेटेड होलो एंजाइम जाता है आरएनए पॉलीमरेज. तो अब ये जो है ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन को, ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्लोज कॉम्प्लेक्स, ये क्लोज है. यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एक्टिवेटेड होलो एंजाइम आके बाइंड करा आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर, तो ये क्या करेगा, ओपन कर देगा हेलिक, डीएनए डबल हेलिक्स को ओपन कर देगा. और ओपन करने के बाद इसमें जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है विद प्यूरीन बेसिस के साथ, जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है वो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं. तो आइदर पीपीजी होगा या आइदर पीपीजी होगा और पीपीए होगा. तो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो ऐड होता है उसे न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, और इसकी डायरेक्शन वही होती है 5' to 3'. इसके बाद जो है ये एलॉन्गेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है. जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाता है इस डायरेक्शन में, जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाएगा, ये जो है इस, ये इधर को न्यूक्लियोटाइड ऐड होते चले जाएंगे और एमआरएनए का एलॉन्गेशन होता चला जाएगा. इसमें जो इस तरह से इसका ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन और एलॉन्गेशन होता है, एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इसके बाद हम टर्मिनेशन डिस्कस करेंगे. पहले प्रोमोटर सीक्वेंस पे आके आरएनए पॉलीमरेज करता है, आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर होता है जो कि एक एक्टिवेटेड फॉर्म है आरएनए पॉलीमरेज की. ये क्या करता है, डीएनए डबल हेलिक्स को अनवाइंड करता है, और डीएनए डबल हेलिक्स जैसे जैसे आगे मूव करता जाता है वैसे वैसे ये डीएनए डबल हेलिक्स ओपन होता चला जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाते हैं और एमआरएनए का इलॉन्गेशन आगे प्रोसीड करता है. अब इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें जो टर्मिनेशन है, टर्मिनेशन वाला स्टेप है वो दो तरह से होता है बैक्टीरिया में, टू टाइप्स का होता है. एक तो होता है इंट्रिंसिक और दूसरा एक्सट्रिंसिक. इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक को हम इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन भी बोलते हैं और एक्सट्रिंसिक को रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन भी बोलते हैं. तो इंट्रिंसिक में क्या होता है कि जैसे टेम्पलेट स्ट्रैंड है,
ये टर्मिनेटर टर्मिनेटर पे पहुंच गया। जैसे ही ये टर्मिनेटर पे पहुंच जाता है तो ये एक एमआरएनए में इस तरह से एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर जो है 7 to 20 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है और जीसी रिच होता है, जीसी रिच रीजन होता है। इसके बनने से जो है एमआरएनए डिसोसिएट हो जाता है और डीएनए आरएनए जो कॉम्प्लेक्स है वो डिसोसिएट हो जाता है और ये टर्मिनेशन का एंड हो जाता है। तो इस तरह के टर्मिनेशन को इंट्रिंसिक बोलते हैं। इसके अलावा जो सेकंड टाइप होता है जिसको एक्सट्रिंसिक या रो डिपेंडेंट जो टर्मिनेशन होता है उसको उसमें जो है एक प्रोटीन होता है आरएचओ, रो प्रोटीन, आरएचओ रो प्रोटीन। रो प्रोटीन जो है एक इस टाइप का, इसको एक व्हील टाइप का, रिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो आगे की तरफ मूव करता है और मूव करते करते वो एंड तक पहुंच जाता है। और यहां पहुंचने के बाद ही जो है आरएनए और डीएनए जो कॉम्प्लेक्स है इसको डिसोसिएट कर देता है और टर्मिनेशन को कंप्लीट कर देता है, टर्मिनेशन की प्रोसेस को। तो इस तरह का जो टर्मिनेशन होता है उसको रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन बोलते हैं या एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक इसलिए क्योंकि बाहर से जो है प्रोटीन लिया गया है इसको टर्मिनेशन के लिए, बाहर से प्रोटीन लिया गया है ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन के लिए, बाहर से प्रोटीन लिया गया है रो प्रोटीन। तो इस तरह के टर्मिनेशन को जो है एक्सट्रिंसिक या रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन बोलते हैं। तो ये हमारी जो प्रोसेस थी, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सबसे ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन थ्री स्टेप्स में होती है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में हमने देखा था कि आरएनए पॉलीमरेज का जो कोर कॉम्प्लेक्स होता है उसे सिग्मा फैक्टर आके बाइंड करता है जिसे होलो एंजाइम बोलते हैं। होलो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज की एक एक्टिवेटेड फॉर्म है जो कि प्रोमोटर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है और डीएनए डबल हेलिक्स को ओपन करता है। डीएनए डबल हेलिक्स को ओपन करने के बाद उसमें फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट विद प्यूरीन बेस। इसके बाद इसके जो डायरेक्शन होती है एमआरएनए की वो 5' to 3' होती है, इलॉन्गेशन होता है, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते चले जाते हैं, डीएनए डबल हेलिक्स जो है अनवाइंड होता चला जाता है। इसके बाद लास्ट स्टेप आता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन जो है प्रोकैरियोट्स में दो स्टेप्स में डिवाइड होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में एक हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर एमआरएनए बना लेता है जिससे जो है जो ट्रांसक्रिप्शन है वो टर्मिनेट हो जाती है। दूसरा है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बाहर से एक प्रोटीन लिया जाता है, यूजुअली रो प्रोटीन लेते हैं। इसके अलावा और भी कई प्रोटीन्स नोटिस किए गए हैं लेकिन जनरली रो प्रोटीन लेते हैं। जो रो इस एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है रो प्रोटीन का जो इसमें पॉली टेल में एमआरएनए की टेल से आगे बढ़ के एंड पॉइंट तक पहुंच जाता है और इसको ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है और डीएनए आरएनए जो कॉम्प्लेक्स है उसको डिसोसिएट कर देता है। इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस पूरी हो जाती है इन प्रोकैरियोट्स में। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक माय वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल व्हील ऑफ नॉलेज। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।